इंडिया गए हो? नहीं गए हो? नहीं नहीं गए हो? तो कभी जाना चाहते हो आप? हाँ, हाँ? अभी इस घर में शादी हो रहा था, कम से कम आधा एक घंटे में यहाँ रुका था। देखना है व्यू, देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ दास और आप देखना ट्रेवलिंग ब्लेजर। अभी मैं चेकिंग का कोशिश कर रहा था लेकिन अभी कुछ लिफ्ट विफ्ट मिला नहीं, इस कारण से मुझे यहीं आज स्टे करना पड़ा। अभी मैं आया हूँ एक सृष्टि गेस्ट हाउस है जो किराना स्टोर भी है, वहाँ मैं रुका हूँ। लगभग 500 रुपये नेपाली करेंसी में यहाँ एक रूम मिला है। मेन हाइवे है पोखरा और काठमांडू का, इस कारण से इतना सस्ते में कॉमन है कि इतना ही सस्ते बस में मिल पाएगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा। तो अभी मैं खाना खाने के लिए अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ अच्छा खाना कहाँ से मिले। यहाँ के जो ओनर है, जो लॉज के, वो है सुरेंद्र त्रिपाठी जी। ये सुरेंद्र त्रिपाठी जी हैं। आप आइए। अच्छा, क्या बोलना है हमको? आप जो बोलिए। अभी अभी दिल्ली से आए हमारे भाई। दिल्ली से नहीं, काठमांडू से। पहले मैं रायपुर से आया, उस वक्त मैं काठमांडू से। रायपुर से काठमांडू आए हमारे भाई यश दास भैया। काठमांडू से पकड़ा जाने के लिए आए, रास्ते में हम मिले और इनको भी यहीं बिठाए, रात यहीं गुजारेगा ये भाई। और कल फिर 10 बजे ये रूम से मतलब मैं जो है, मेरा जो डिस्टिनेशन है वहाँ के लिए मैं चला जाऊँगा। और यहाँ के जो ऑनर है उनके दो आदमी, ये आपकी डॉटर है? हाँ, मेरा डॉटर है वो अपनी त्रिपाठी, और वो लड़का है मेरा सुवर्ण त्रिपाठी। वो दोनों जो बच्चे हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही क्यूटनेस है उनके, देखना आप। आपका नाम ये है? सृष्टि त्रिपाठी। सृष्टि त्रिपाठी। और आपका? सुवर्ण त्रिपाठी। सुन, हाय कर दो उनको। हाय। वो तो भाग गई, वो लड़की सर वहाँ के, वो भाग गई है। ये एड्रेस दिखाइए। आप क्या करते हो? पढ़ते हो? कहाँ मतलब कहाँ पढ़ते हो आपका? कितना पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बोलिए ना आपका। हाँ, स्कूल का नाम बताइए आपका। इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल। अच्छा, इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में। अच्छा, कितना स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? इधर देखिए, इधर देखिए, कितना क्लास में पढ़ते हैं? थ्री। अच्छा, आप? फाइव में पढ़ते हैं आप? अच्छा, तो ये 3 स्टैंडर्ड में है, वो 5 स्टैंडर्ड में है, तो अभी बाद में इनसे बात करेंगे। सही है यार, जो बच्चे बहुत क्यूट है। जो अभी हम लोग रुके हैं मुगलिन में, बहुत ही अच्छा जगह है, मीडियम है, कस्बे टाइप का है, ज़्यादा छोटा गांव भी नहीं है। तो अभी खाने के लिए जा रहे हैं। चाउमीन बनता है क्या? चाउमीन नहीं है अभी तो। थाली मिलता है, नेपाली थाली। खाना क्या रेट पड़ेगा? 180। तो दोस्तों, अभी आए हैं एक न्यू भागीदारी करके रेस्टोरेंट है वहाँ, और खाना ऑर्डर किए हैं यहाँ, और लगभग 180 नेपाली रुपीस में जो यहाँ थाली होता है, थाली सिस्टम भी यहाँ भी है, तो वो मिले अभी हम लोग ऑर्डर किए हैं। तो उसमें बता रहे थे 3 सब्जी 3 रोटी और 1 चावल और दाल वाल कुछ है। पहले आ रहा है, फिर देखते हैं कैसा क्या। 180 मीन्स हो गया लगभग इंडियन करेंसी में 110 या 115 रुपये कुछ, तो उतने रुपये का है। ठीक है यार, हमारे यहाँ भी तो 50-100 रुपये में थाली आता है। स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा खाली है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, पूरा ही खाली है। तो हो सकता है अभी रात हो गया है, रात के 10:30 बज गए हैं, तो हो सकता है इस कारण से हो। लेकिन अमूमन जितने भी यहाँ होटल है और जो भी रेस्टोरेंट है, इवन किराना स्टोर का, वो भी 12-1 बजे तक खुला रहता है, तो हो सकता है रात हो गया इस कारण से होगा। तो ये है सब्जी वैरायटी, बाकी चावल और सब्जी भी आएगा, चावल और रोटी भी आएगा। देखने से तो अच्छा लग रहा है, आप खा कर अच्छा। ये क्या है? ये साग। कौन सा साग? नहीं, कौन सा? अच्छा, पालक का। वही पूछ रहा हूँ कौन सा। ये है पालक का साग, और एक तो आलू भुजिया और सैलड, यहाँ चटनी है, चटनी दाल फ्राई, और है आलू और पराठी। कलर रोटी आ गया है तो खाता हूँ, और आपको टेस्ट बताता हूँ। रोटी का टेस्ट वही होता है, मैं सब्जी का टेस्ट बता रहा हूँ। सब्जी का बहुत अच्छा है,
जैसे आपको इंडिया में मिलता है, जो स्वाद इंडिया में मिलता है वो यहाँ भी मिलता है। एकदम देसी इंडियन स्वाद, मजा आ गया। Eating is finished. It's time to be paid. Excuse me. कितना टाइम खुलता है वैसे आपका सुबह? तो खाना बहुत अच्छा है, मतलब जो हम लोग को इंडिया मिलता ना सेम से। कितना टाइम खुलता है वैसे सुबह? 6 बजे खुल जाएगा। नाश्ता बन भी जाता है? नहीं, जो चावल सब्जी बन भी जाता है। 9-10 बजे तक बन जाएगा? हाँ ठीक है, फिर आऊँगा मैं, यही बस बगल में रह रहा हूँ। ए ले बेटा तेरा, रख रख, कोई दिक्कत नहीं। अभी निकल गए हैं, थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा टूर करा देता हूँ इसका, जो छोटा सा कस्बा है उसका। तो चलो ये देखो, यहाँ गेस्ट हाउस जो है, लॉज है, होटल है, सब भरे पड़े हैं, क्योंकि मेन हाईवे है यार। अभी इस घर में शादी हो रहा था, कम से कम आधा एक घंटे में यहाँ रुका था। जो एक्चुअल नेपाली ट्रेडिशनल जो शादी है वो देख रहा था, शूटिंग करने का परमिशन मैं लेता तो शायद दे देते, लेकिन मैंने लिया, क्योंकि लास्ट इंडियन का शादी था। तो अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा तो आपको पूरा फुल जो उनका ट्रेडिशनल है वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई मौका मिलेगा बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। इस लाइन में आपको जितने भी हैं तो सब में होटल, रेस्टोरेंट या फिर बार, यही चीज़ बस मिलेगी, और या फिर गेस्ट हाउस। बाकी और जो छोटा मोटा एक मेडिकल का स्टोर है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये जो हम जिस रोड पर जा रहे हैं वो हो जाएगी पोखरा, और जो उधर जा रही है वो रोड, वो जाती है आपका शाहपुर, जहाँ जो आमिर भैया गए हैं दाल भात पावर। ठीक है, यहाँ एक रेस्टोरेंट है दाल भात पावर, वो रेस्टोरेंट है। और कपड़े का दुकान, अभी जिस जगह हूँ उसी जगह आमिर भाई मेरे को ड्रॉप करके गए थे। दोनों जगह रेस्टोरेंट, दोनों जगह गेस्ट हाउस, दोनों रोड के इस पार भी और उस पार भी भरपूर मात्रा में। तो इन लोग जो आपको रोड रेट बताएंगे 800-900-700 नेपाली रुपये का, तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना आप लोग, अगर नहीं होगा तो आप दूसरा जगह, क्योंकि यहाँ कमी नहीं है, तो जहाँ आपको सस्ता मिले रुकने का वहाँ रुक जाना। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो फिर आपको जितना दोगे उतना रख लेगा वो, तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, और नहीं करेगा तो चुपचाप वहाँ से चले जाना और दूसरा से पूछ लेना आप। और सुबह का जो व्यू है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली, क्योंकि जितने भी मैं देख रहा हूँ ऊपर में, तो ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जब सुबह जब हो जाएगा तो कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। कैमरे को तो ऐसा देखते हैं लोग जैसे मैं बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ, मतलब कोई अलग दुनिया से आए हैं ऐसा टाइप का देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे भाई, और जबकि मैं दोनों तरफ आगे पीछे का जितना भी जो रिकॉर्डिंग होता है वो दिखता है, उसको मैं बंद कर दिया हूँ, खाली एक लाइट जल रहा है यहाँ पास में लिप करके, वो और स्टिक है मेरे हाथ में, पता नहीं क्यों लोग सब छोड़ के यही चीज़ देख रहे हैं। चलो, उसका काम है देखना। देखे दोस्तों, जहाँ से जहाँ जाम में फंसे थे हम लोग नोबी से, वहाँ से जब चले थे तो थोड़ा से एक आध दो किलोमीटर जाने के बाद में एक नदी है वो चालू हो गई थी। उस नदी का नाम है त्रिशूली, सॉरी त्रिशूल है। तो वो नदी ही लगभग 40-45 किलोमीटर उसी नदी के बगल से ही जो है वो रोड आती है पोखरा के लिए। उसी नदी को अभी हम लोग क्रॉस करके जाएंगे पोखरा, तो और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी में से भी एक है। दोस्तों, छोटा सा सिटी टूर आपको मैं करवा दिया हूँ, और अभी जस्ट अपने लॉज पहुँच गए हैं। और फिर ये बच्ची क्या है, सृष्टि, सृष्टि ना,
सिस्टी फिर सामने में है, आप पूछे नहीं उसे, हाँ सवाल जवाब कर दीजिए। आप कभी इंडिया गए हो? नहीं गए हो? नहीं नहीं गए हो, तो कभी जाना चाहते हो आप? हाँ, हाँ? आप भी नहीं गए क्या कभी? गए हम। अच्छा, तो बार बार जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ कोई है कि सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं? हमारा कोई वहाँ जाने माने रिलेटिव है। अच्छा, क्या बोल रहे हो? हरियाणा। हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा, तो इन लोग को आप नहीं लगे फिर अभी? इन लोग को तो मैंने नहीं लगा, अब फिर अब एक दो साल के बाद सब परिवार आएंगे, थोड़ा इन लोग तब तक बड़े हो जाएंगे। हाँ। तो अभी ले जाएंगे भी तो भी सो उनका तो ध्यान में रहेगा नहीं। हाँ, तो थोड़ा जैसे जानने लायक हो जाएंगे उसके बाद में फिर वो रहेंगे। देखिए चलिए ठीक है, एक बार और हंस दो। बड़ी क्यूट बच्ची है यार। सवाल जवाब करिए ना इनसे जी, आपको क्या क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? हाँ ये है यूट्यूबर। हाँ आप बताओ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? समझते हो जी? हाँ दुख बताओ क्या अच्छा लगता है आपको? 30 रुपए हाले पढ़ने का, घूमना अच्छा लगता है? हाँ पढ़ने का बताओ, घूमने का अच्छा लगता है? पढ़ने का और घूमने का। हाँ मुंह बड़े तेल चिकन खाना, चॉकलेट, चॉकलेट भी खाना है? चॉकलेट खाते हो क्या? और बताओ ना क्या अच्छा लगता है? और क्या क्या अच्छा लगता है? हाँ वीडियो, वीडियो बनाना, देखना। अच्छा इनको वो ऐसा वो होता है ना वो किच कंडी जैसे आके। हाँ अच्छा बाल्बी। अच्छा वो करना अच्छा लगता है? चुड़ैल का वो फिल्म आता है ना छोटा मोटा। हाँ हाँ वो ये दिखती है उसको, बहुत ध्यान से दिखती है। अच्छा अच्छा चुड़ैल का फिल्म अच्छा लगता है इनको। अच्छा हाँ जो डरावनी फिल्म है वो अच्छी लगती है ना? तो अकेले देखते हो आपकी पूरा मम्मी पापा के साथ में? हाँ वो चुड़ैल वाला फिल्म अकेले देखते हो आप? अच्छा डेयरिंग भी है मतलब? हाँ बोलना डेयरिंग भी है मतलब? इसको डेयरिंग मिल्क भी अच्छा लगता है खाने में। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अकेले देखती है मतलब डेयरिंग भी है इसमें, जो सास बोलते हैं ना वो भी है ना? चलिए ठीक है, एक इसका क्यूटी स्मेल देखो। चलिए मिलते हैं सुबह, अभी सोने जा रहा हूँ, ऐसे समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हो गए हैं सुबह और अभी बजे हैं सुबह के 7:30। और यार कल जैसे मैं बेड में सोया उसके बाद में तुरंत नींद पड़ गया और अभी उठा हूँ। तो और मैंने आपको कहा था कि बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है, तो वास्तविक भी बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले 5:16 तो फिर दिखाता हूँ। देखना है व्यू, देखो वो जो है वो माउंटेन है पूरा, जो आपको कोहरा कोहरा दिख रहा होगा पूरा माउंटेन है यहाँ से। तो ऐसे कुदरत प्रकृति की गोद में हैं अभी हम लोग, और वहीं मैं आज रुका था। बड़ा अच्छा लग रहा है, जो गांव के जो कस्बे के जो नेपाली घर है ऐसे होते हैं। ठीक है यार, जैसे हमारे इंडिया में है वैसी टाइप का ही है। और यहाँ मैं रहता हूँ ये हॉस्टल में, ये वाला रूम में। यार नेचर देखो यार, मतलब जो आदमी प्रकृति से प्यार करता है और जो नेचर को एंजॉय करना चाहता है उसके लिए तो यार जन्नत है यार यहाँ। और जो ऐसे जो पहाड़ है वो आपको काठमांडू से अब जब चालू हो गए तो पोखरा तक के लिए लगभग 200 किलोमीटर जो है वो ऐसे ही पहाड़ी है। मेरे ख्याल से बहुत लंबा जो है ये जो रोड का और जो ऐसे घाटी का या पहाड़ों का जो एक श्रृंखला बोल सकते हैं। जैसे आप पोखरा के रास्ते में आओगे काठमांडू से
आपका टाइम समझ लीजिए कि कैसे बीतेगा आपको समझ में नहीं आएगा। जो जैसे बस में आते हो आप तो 5-6 घंटा लगता है, तो 5-6 घंटा आपको कैसे निकलेगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि अरे पहुंच गया है पोखरा। क्योंकि जो वातावरण जो है आपका, जो आप आओगे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही लाजवाब। मैं बताया ना, आप जितना भी स्ट्रेस रहेगा माइंड में सब दूर हो जाएगा। दोस्तों अभी मुझे पोखरा के लिए निकलना है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। देखो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाली में भी इसको धन्यवाद ही बोलते हैं। धन्यवाद।